Hello everyone, in previous session we seen the character of pteridophytes, right? I hope you all are well understood. Now we will move on our next topic, that is gymnosperms. Gymnosperm ke baare mein aapko pata hona chahiye, right? And ye bahut important class hai, important kingdom hai. जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये जो टॉपिक है वो आपको ट्वेल्थ में भी आता है, दैट इज़ वाई बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो लेट स्टार्ट जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म मीन्स वॉट एग्जैक्टली? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड. मीन्स वॉट? के इन दिस कैटेगरी जो भी सीड्स होंगे वो नेकेड होंगे, उसमें कोई कवरिंग नहीं होगा, राइट? Gymnosperm are plant in which the ovule are not enclosed by any ovary wall. जो ovule होते हैं वो कोई भी ovary, कोई भी type की ovary wall से cover नहीं होते, remain exposed both before and after fertilization. Means के fertilization के पहले और fertilization के बाद दोनों समय पे ये जो seeds होते हैं, ovule होते हैं, वो exposed होते हैं, खुले होते हैं, naked होते हैं. The seeds that develop पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, मीन्स के नेकेड. जिम्नोस्पर्म इंक्लूड, कि जिम्नोस्पर्म में कौन से साइज के ट्रीज होंगे? मीडियम साइज के ट्री, टॉल ट्री एंड श्रब. तीनों तीन तरह के ट्रीज होते हैं जिम्नोस्पर्म में. टेरिडोफाइट्स में हमने क्या देखा था कि नॉर्मली स्टेम रूट एंड लीव्स होंगे, बट यहाँ स्टेम रूट लीव तो होंगे ही, बट डिफरेंट डिफरेंट साइज के प्लांट होंगे जिम्नोस्पर्म में. स्पेशली आपको एक एग्जाम्पल दिया है, द जायंट रेड वुड ट्री सिकोया सिंपरविरेंस. सिकोया सिंपरविरेंस वो जो है शॉर्ट में लिखा है आपको सिकोया, पर सिकोया सिंपरविरेंस ऐसा याद रखना है, सिंपरविरेंस. ये जो ट्री है वो टॉलेस्ट ट्री ऑफ जिम्नोस्पर्म. द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स, मीन्स के यहाँ रूट स्टेम एंड लीफ में टाइप्स है, दैट वी विल सी. फॉर एग्जाम्पल वी डिस्कस अबाउट रूट, राइट? सो वी हैव टू रूट, फर्स्ट इज माइकोराइजा. And second is coralloid roots. ये माइकोराइजा जो रूट है वो किसके साथ? पाइनस, स्पेशली पाइनस प्लस फंजाई का एसोसिएशन. और ये जो कोरेलॉइड रूट है वो साइकस प्लस साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन. साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन होगा, राइट? सो रूट दो तरह के हो गए, माइकोराइजा एंड कोरेलॉइड रूट, राइट? समटाइम ये जो रूट्स होते हैं वो कैसे होंगे? टैप रूट होते हैं. ये जो रूट होते हैं वो कैसे टाइप के होते हैं? टैप रूट. यू कैन राइट हियर, राइट? ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टेम. स्टेम ऑल्सो दो टाइप के होंगे, ब्रांचेड और अनब्रांचेड. एंड दूसरे ब्रांचेड.
अनब्रांचेड और ये ब्रांचेड, राइट? ब्रांचेड एंड अनब्रांचेड. ब्रांचेड मीन्स वॉट, उसमें से ब्रांच निकलेगी. अनब्रांचेड मीन्स वॉट, उसमें से ब्रांच नहीं लेके निकलेगी. तो अनब्रांचेड का एग्जाम्पल है साइकस और ब्रांचेड का एग्जाम्पल है पाइनस एंड सेट्रस, राइट? सो ये हो गया स्टेम एंड रूट के बारे में. अब हम देखेंगे तीसरा क्या होता है, लीफ, राइट? सो लीफ भी दो टाइप्स के हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. व्हाट इज सिंपल लीफ, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स लीफ, दैट वी विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 6. बट इफ लीफ हैव वन, इफ लीफ हैव वन लीफ मीन्स कि एक ही लीफ होगा उसमें, दैट इज कॉल्ड सिंपल, एंड मोर देन वन लीफ दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स लीफ, राइट? Sometime leaf require extreme temperature, humidity and wind. So ये आपको इस हिसाब से याद रखना है. Okay. So in some cases of sporophylls may, sorry. In one of the gymnosperm, the giant red tree, redwood tree, sequoia, is one of the tallest free species. The roots are generally tap roots, right? हमने देखा roots in some genera have fungal association in the form of माइकोराइजा, दैट वी सी. स्पेशली माइकोराइजा मीन्स वॉट, कि जो भी फंगस है वो प्लांट के साथ एसोसिएट करती है, प्लांट के रूट के साथ, दैट इज कॉल्ड माइकोराइजा. स्पेशली इन पाइनस एंड सम अदर, दैट इज साइकस, दैट इज एसोसिएटेड मीन्स के साइकस एसोसिएटेड विथ साइनोबैक्टेरिया ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग, राइट? सो ये हो गया रूट के बारे में. देन स्टेम, स्टेम आर अनब्रांचेड मीन्स के साइकस उसमें, एंड ब्रांचेड में पाइनस एंड सेट्रस. लीव्स में मे बी सिंपल और कंपाउंड. साइकस द इन साइकस द पिननेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर. पिननेट मीन्स वॉट, कि लीफ जो पीकॉक होता है ना, उसका लीफ कैसा होता है, दैट इज दैट शेप नोन एज पिननेट, राइट? द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल एडेप्टेड to withstand extreme of temperature, humidity, wind, right? कि leaf well adapted होते हैं ये सब environmental factors से. In conifers, the needle-like leaves reduce surface area. Needle-like leaf होंगे तो surface area तो reduce होगा ही. So उसमें क्या होगा, cuticle and shrunken stomata which help to reduce water loss. वो लीफ में होता है स्पेशली. नाउ हम देखेंगे आगे जिम्नोस्पर्म के बारे में. जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस, उसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड के स्पोर्स होंगे. दे प्रोड्यूस हैप्लोइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर. जो हेट्रोस्पोरस तो है पर उसमें भी माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर होंगे, वो हैप्लोइड होंगे. द टू काइंड्स ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया एंड दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफाइल्स. कि स्पोरेंजिया जो स्पोर्स होंगे वो स्पोरेंजिया के ऊपर प्रोड्यूस होंगे और वो
किस कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, बॉर्न ऑन स्पोरोफाइल्स, स्पोरोफाइल के ऊपर वो बॉर्न होंगे, कौन, स्पोर्स। विच आर अरेंज स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लेग्स और कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉबिली और वी कैन से कॉन्स, कि वो जो स्पोरोफाइल्स होंगे वो अरेंज होंगे कौन से शेप में, लेग्स एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेली शेप में, उसको हम बोलेंगे कॉन। द स्ट्रॉबेली बियरिंग माइक्रोस्पोरोफाइल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रॉबेली। स्ट्रॉबेली तो होगी बट यहाँ माइक्रोस्पोरोफाइल है और माइक्रोस्पोरेंजिया है, दैट इज वाई इसको हम बोलेंगे मेल स्ट्रॉबेली और वी कैन से माइक्रोस्पोरोफाइल्स पे अरेंज होते हैं, दैट इज वाई दैट स्ट्रक्चर नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिएट। सेम वे मेगा स्पोरेंजिएट और वी कैन से फीमेल स्ट्रॉबेली, द माइक्रोस्पोर डेवलप इंटू मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। ये जो माइक्रोस्पोर होंगे वो मेल गैमेटोफाइट रन करेगा, मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होगा, राइट। दिस रिड्यूस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन, कि जहाँ जहाँ मेल गैमेटोफाइट की बात आती है वहाँ वहाँ पोलन ग्रेन होगी। क्यों पोलन ग्रेन होगी ये आपको डिटेल में 12th में समझ आएगा, यहाँ मुझसे बनती ट्राई कर रही हूँ मैं कि आपको वो समझ में आ जाए अच्छे से, शांति से समझना, डेफिनेटली आपको आ ही जाएगा। इफ़ एनी डाउट देन आस्क मी, राइट। सो मेल स्ट्रॉबेली समझ में आया, मेल स्ट्रॉबेली डेवलप और वी कैन से माइक्रोस्पोर डेवलप इंटू मेल गैमेटोफाइट्स, राइट, एंड नंबर ऑफ रिड्यूस सेल्स एंड दैट सेल नोन एज द पोलन ग्रेन। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, कि माइक्रोस्पोरेंजिया पे पोलन ग्रेन डेवलप होंगी। द कॉर्न बियरिंग मेगा स्पोरोफाइल्स, जो कॉर्न माइक्रोस्पोरोफाइल्स पजेस करता है वो कन्वर्ट हुआ माइक्रोस्पोरेंजिएट में और मेल स्ट्रॉबेली में, और जो स्पोर मेगा स्पोरोफाइल बियर्स करते हैं विथ ओव्यूल और वी कैन से माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रॉबेली, ओके। द मेल और फीमेल कॉर्न और स्ट्रॉबेली में बी बोर्न ऑन सेम ट्री, कि सम टाइम क्या होता है कि मेल एंड फीमेल स्ट्रॉबेली सेम ट्री पे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पाइनस, बट हाउएवर इन साइकस मेल कॉर्न एंड फीमेल कॉर्न बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री। ये आपको याद रखना है कि सेम ट्री पे मेल एंड फीमेल कॉर्न जो होता है उसका एग्जाम्पल है पाइनस, और मेल एंड फीमेल कॉर्न डिफरेंट ट्री पे होते हैं उसके एग्जाम्पल है साइकस। सो साइकस का मेल कॉर्न अलग होगा और फीमेल कॉर्न अलग होगा। द मेगा स्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यू सेल्युलस। अब आपको न्यू सेल्युलस के बारे में समझना है, देखते हैं हम यहाँ देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जीनोप्सियम है, ये ओवरी है, दिस इज ओवरी, दिस इज स्टिग्मा, राइट, उसके अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर ऐसे सेल होता है, दैट इज कॉल्ड न्यू सेल्यस, एंड उसमें एक्स्ट्रा फूड रिजर्व होता है, जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो इसमें से ये यूज होता है, राइट। सो यहाँ आपको जो लिखा है वो समझ में आया कि द मेगा स्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल दैट इज कॉल्ड न्यू सेल्युलस। तो आपको समझ में आया थोड़ा बहुत कि न्यू सेल्युलस सेल कहाँ होता है, राइट। द न्यू सेल्युलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप। आपको पता है, आपने डायग्राम में देखा कि न्यू सेल्युलस अंदर की साइड है और आउटर साइड क्या है,
ओव्यूल एंड द कंपोसाइट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल, के ओव्यूल से वो न्यू सेल्स क्या है प्रोटेक्टेड है. द ओव्यूल आर बोर्न ऑन मेगा स्पोरोफाइल्स विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म फीमेल कॉर्न, कि कभी कभी ओव्यूल भी कंबाइन होके क्लस्टर फॉर्म होता है और उसको हम बोलेंगे फीमेल कॉर्न. द मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगा स्पोर एंड उसमें से 3 विल डीजनरेट एंड 1 विल एक्टिव एंड वन ऑफ द मेगा स्पोर एनक्लोज विद द मेगा स्पोरेंजियम डेवलप इंटू मल्टी सेल्युलर एंड इट डेवलप इंटू फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर 2 और मोर आर्ची गोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन. कैसे? और दूसरा कि द मल्टी सेल्युलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन विद इन द मेगा स्पोरेंजियम. ये आपको समझना है, वो हम समझेंगे, ये नेक्स्ट पैराग्राफ हम देख लेते हैं उसके बाद समझेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा. अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इन द जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस. दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे हैं, राइट, कि उसमें मेल एंड फीमेल फीमेल गैमेटोफाइट जिम्नोस्पर्म के जैसे फ्री नहीं होते हैं, राइट. द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया, दे आर कैरीड इन एयर करंट एंड कम इन कॉन्टेक्ट विथ ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल बॉर्न ऑन मेगा स्पोरोफाइल, राइट. द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट्स ग्रो टावर्ड्स द आर्चिगोनिया इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया. सो फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप into embryo and ovule develop into seeds, but seeds are not covered in this gymnosperm, right. So ये जो paragraph है मैं आपको diagram explain करके समझाती हूँ. For example, ये जो है gynosperm है, right, pistil है. पिस्टिल में ये स्टिग्मा, ये ओवरी, राइट. जब ओव्यूल पोलिनेशन होता है, हम पोलिनेशन की बात करें तो पोलिनेशन फॉर एग्जांपल हुआ और बहुत सारी क्या बोलते हैं पोलन ग्रेन रिलीज हुई और वो पोलन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा पे आके लैंड हुई, राइट. स्टिग्मा पे आके लैंड होने के बाद यहाँ ऑलरेडी क्या होगा ओव्यूल, राइट. तो स्टिग्मा पे आके पोलन ग्रेन लैंड होती है तब उसमें से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है और वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है उसमें क्या होगे मेल गैमेट्स, उसमें क्या होगा मेल गैमेट्स और वो मेल गैमेट्स ये क्या है ओव्यूल मेगा स्पोरेंजिया, ये क्या है ओव्यूल, वहां आएंगे और ओव्यूल में कौन है ओवम. ओव्यूल में कौन है ये क्या है ओवम और वी कैन से एग, राइट. तो ये जो मेल गैमेट है वो यहां आएगा और यहां से ये एग के साथ फर्टिलाइज होगा, जायगोट फॉर्म होगा. तो आपको समझ में आया कि पोलन ग्रेन रिलीज होती है फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम एंड दे कैरिड आउट इन एयर करंट एंड कम इन कॉन्टेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल, राइट. ये जो है वो ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल है, ओपनिंग है, राइट. ओव्यूल का कॉन्टेक्ट में आएगी, राइट. एंड द पोलन ट्यूब, ये जो है वो पोलन ट्यूब है, हमने लेबल नहीं किया, दिस इज पोलन ट्यूब. एंड आपकी बुक में लिखा है पोलन ट्यूब कैरी मेल गैमेट, आपको दिखाई ना दे ऐसे मेल गैमेट, दो मेल गैमेट कैरी करती है और डिस्चार्ज देयर कैन कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया, मीन्स के ओव्यूल के माउथ होता है ओव्यूल का, वहाँ डिस्चार्ज होगी और फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपको वो प्रोसेस दिखा दूँ कि
आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट की हम बात करें मेल गैमेट दैट इज हैप्लॉइड एंड फीमेल गैमेट आल्सो हैप्लॉइड एंड क्या बनेगा उसके बाद जाइगोट एंड आपको बुक में लिखा है कि जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड राइट. सो समझ में आई ये थियरी. ये पूरी थियरी आपको डिटेल में 12th में सेकेंड चैप्टर में आने वाली है. सो तब आपको अच्छे से समझ में आएगा राइट. सो ये हो गया है जिम्नोस्पर्म. थोड़ा लॉन्ग है और थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट आप अच्छे से अगर उसको लर्न करोगे तो आपको डेफिनेटली ये अच्छे से समझ में आएगा. ऐसा ही और इससे भी इम्पोर्टेंट है एंजियोस्पर्म राइट. सो ओनली टू टॉपिक रिमेनिंग इन दिस चैप्टर दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन. टिल दैट थैंक यू.